लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के पूर्व संध्या पर गुरु कृपा सेवा संस्थान और अखिल भारतीय क्रांतिकारी संघर्ष समिति सदस्यों ने मंगलवार को उन्हें चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले कार्यकर्ताओं का कहना था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के विकास में अहम भूमिका निभाई है। आज के युग में उनके बताए रास्तों पर चलने से ही देश तरक्की के मार्ग पर अग्रसर होगा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संस्थान के अध्यक्ष बृजेश त्रिपाठी ने बताया। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर देश की एकता एवं अखंडता को अच्छे बनाए रखने के लिए और भारत के आज़ादी के बाद प्रथम प्रधानमंत्री जिनके नेतृत्व में भारत में 562 रियासतों का विलय और दृढ़ इच्छा शक्ति और नेतृत्व के नाते जिन्होंने भारत का नेतृत्व किया, ऐसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की अवसर पर गुरु कृपा संस्थान नमन करता है और उनके एकता अखंडता को दिए गए संदेश का संकल्प लेते हैं। इस बात के लिए अपना पूरा संकल्प दोहराता है कि देश अछूत रहे, देश की एकता में एकता कायम रहे, देश के विघटित करने वाली जो भी राष्ट्र विरोधी ताकतें उनको अदम्य साहस के साथ और पटेल जी के द्वारा बताए गए मार्ग और पद चिन्हों पर चलकर हम देश की सेवा में अपना योगदान दे सके। आज के